हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। यूपी के बुलंदशहर में कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले लोगों को जिला प्रशासन ने क्वारंटाइन सेंटर में डालना शुरू कर दिया है। बुलंदशहर प्रशासन ने जिले भर के 23 भवनों को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर दिया है। इन भवनों की रंग पुताई और साफ सफाई की व्यवस्था शुरू कर बाकायदा इनमें बेड्स के इंतजाम किए जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर बुलंदशहर के खाली पड़े काशीराम आवासीय भवन की है। इस बिल्डिंग में 400 कमरों को फिलहाल लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों के लिए तैयार कराया जा रहा है। कायदा बिल्डिंग की दीवारों की रंग पुताई और मरम्मत भी कराई जा रही है, साथ ही भवन में इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था भी कराई गई है। कुल मिलाकर कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर बुलंदशहर जिला प्रशासन ऐसे ही 23 भवनों को क्वारंटाइन सेंटर के रूप में तैयार करा रहा है। इन सेंटरों पर एक समय में 1000 से अधिक लोगों के ठहरने की व्यवस्था होगी। इसी क्रम में बुलंदशहर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लॉकडाउन का उल्लंघन करके सड़कों पर घूम रहे 29 लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया है। सर एक्चुअली क्या है सर, वहाँ पे खाने का प्रॉब्लम था, तो सर मंथली होटल पे खाना चलता था, अपने पास इंस्ट्रूमेंट मतलब बनाने का कोई सिस्टम नहीं था, इसके लिए होटल बंद हो गया, इसलिए मजबूरी में आना पड़ा। इधर कहाँ से आए थे? जयपुर से। तो आपको पकड़ा कहाँ इन्होंने? मुड़ चौराहे पे। यहाँ से तो पकड़ा थोड़ी था, बुला के टेस्टिंग के, फिर बोले बैठो आपको टेस्टिंग के लिए लेके चलते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर? समथिंग 14 लोग हैं। देखिए, शासन द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुसार 3 स्तर की क्वारंटाइन की जानी है। होम क्वारंटाइन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हेतु आइडेंटिफाइड बिल्डिंग में क्वारंटाइन, और अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में क्वारंटाइन। तो वर्तमान में हमारे यहाँ 101 ऐसे व्यक्ति होम क्वारंटाइन में हैं जो या तो पिछले 14 दिन में विदेश से यात्रा करके लौटे हैं, या वो किसी पॉजिटिव जो कंफर्म पॉजिटिव केस हैं उनके संसर्ग में आए हैं। इसके अलावा शासन के दिशा निर्देश के अनुसार जो अन्य राज्य से लोग आए हैं हमारे जनपद में, उन्हें भी होम क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। जहाँ तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की बात है, तो हम लोगों ने 8 ऐसे इंस्टीट्यूट को आइडेंटिफाई किया है और उसमें 1000 कैपेसिटी के बेड की व्यवस्था की है, जहाँ आवश्यकता अनुसार लोगों को रखा जाएगा। उसमें से खुर्जा का जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है, जो रेन बसेरा है, वहाँ पे कल एक व्यक्ति हमारे जनपद से पॉजिटिव पाए गए थे, उनके परिवार के समस्त 8 व्यक्ति को ठहराया जा रहा है। जो थर्ड स्तर है वो है अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड। तो हमारे यहाँ अभी तक 104 बेड वाले डिफरेंट अस्पताल में 104 बेड वाले आइसोलेशन वार्ड को चिन्हित किया जा चुका है और वहाँ पे सारी फैसिलिटी की व्यवस्था कर दी गई है। पूर्व में एक व्यक्ति जो कि कल पॉजिटिव पाए गए हैं, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में रह रहे थे। पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें L1 खुर्जा ने कोरोना के इलाज के लिए जो L1 हॉस्पिटल आइडेंटिफाई किए गए हैं, खुर्जा CHC को वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। जो 8 डिफरेंट इंस्टीट्यूट में हमने बताया कि लगभग 1000 बेड की क्षमता है, उसमें से एक इंस्टीट्यूट कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, जो कि 16 हमारे जनपद में है। तो 16 और प्लस 7 इंस्टीट्यूट, 23 टोटल बिल्डिंग है, उसमें लगभग 1000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, 1000 बेड है। सर, सीमाएं सील कर दी गई है, लोगों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित है? बिल्कुल कर दी गई हैं। आप देख रहे हैं कि भारत सरकार और राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार सीमाएँ ऐसे लोगों के लिए सील कर दी गई हैं जो कि अपना स्थान, रहने का स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, दूसरे जनपद में रह रहे थे और दूसरे जगह जाना चाहते हैं। सीमाएं उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं सील की गई है
जो कि आवश्यक वस्तु या आवश्यक सेवा से जुड़े हुए हैं, और चाहे वो आवश्यक वस्तु किसी गाड़ी में आ रही हो, या दूध वाले अपनी छोटी गाड़ी पे ले जाएं, या उससे जुड़े हुए मजदूर आ जा रहे हों, उनके लिए सीमाएं नहीं सी रखी गई। बुलंदशहर डीएम की माने तो बुलंदशहर स्वास्थ्य विभाग इससे पहले ही विदेश यात्रा करके लौटने वाले लोग और किसी भी तरह कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने वाले 100 से अधिक लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर चुका है। बुलंदशहर की सीमा में सिर्फ जरूरी सेवा पदार्थ को ही प्रवेश दिया जा रहा है। क्वारंटाइन सेंटरों पर भोजन पानी के साथ आराम करने की पूरी व्यवस्था कराई जा रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कोरोना को लेकर बुलंदशहर जिला प्रशासन पूरी तरह चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रहा है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।